18 हजारी से मोहम्मद हुसैन दराज की रिपोर्ट के मुताबिक आल पाकिस्तान सहाफत कौंसल रजिस्टर झंग के ज़िले ऑर्गेनाइजर मोहम्मद शहबाज नजमी के ऑफिस में झंग काबीना के अरकान की एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें आल पाकिस्तान सहाफत कौंसल रजिस्टर के सूबाई चेयरमैन महर उमर दराज साबरी से आल सूबाई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चौधरी मुनीर हुसैन चधर सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद यूनस ज़िले चेयरमैन हाजी महफूजुल्ला ज़िले वाइस चेयरमैन नासिर खान बलोच ज़िले सदर कैसर नवाज ज़िले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सरफराज अहमद वाइस प्रेसिडेंट अवल आमिर खान बलोच वाइस प्रेसिडेंट दोइम फरासत अली ज़िले जनरल सेक्रेटरी जावेद इकबाल सयाल ज़िले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद इरफान खान ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद हुसैन दराज ज़िले ऑर्गेनाइजर मोहम्मद शहबाज नजमी ने शिरकत की, जिसमें तंजीम को मुनसम करने बुराई को जड़ से ख़त्म करने सरकारी इदारों के हकाम बाला से फर्दन फर्दन मुलाकातें करने अवामी मसाइल को जाकर करने मज़लूम की दादरसी के लिए इनकी आवाज़ आला हकाम तक पहुँचाने के बारे में फैसला किया गया। आल पाकिस्तान सहाफत कौंसल रजिस्टर सहाफ़ियों के तहफ़ का एक अहम इदारा है जो सहाफ़ियों के मसाइल हल करने में हमेशा कोशा हैं। ज़िले काबीना ने इस मीटिंग में फैसला किया कि हम आल पाकिस्तान सहाफत कौंसल रजिस्टर के लिए मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे और बहुत जल्द हम इस कौंसल का नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा मीटिंग में DPO झंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तार कियानी और डिप्टी कमिश्नर झंग मोहम्मद उमैर के एहसन इकदाम और बेहतरीन कारकर्दगी को खूब सराहा और खराज तहसीन पेश की।